हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग ACCA के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और इस एंटायर सीरीज में ACCA के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे। एग्जिस्टिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे ACCA में कितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं, इनके एग्जाम्स का क्या पैटर्न है, जिसके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि कितनी ड्यूरेशन यानी कितने टाइम पीरियड में आप ACCA को कम्प्लीट कर सकते हो, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट लेवल से। तो फ्रेंड्स, आपका ACCA कोर्स जो है ये तीन लेवल्स में कैटेगराइज किया गया है इसको। द वेरी फर्स्ट लेवल इज द नॉलेज लेवल, सेकंड वन इज स्किल्स लेवल एंड थर्ड वन इज द प्रोफेशनल लेवल। यानी कि आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उनको इन तीन सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग जैसे सीए करते हैं तो अगर सीए में भी आपको ऐसे ही तीन सेगमेंट में देखने को मिलता है, सीए कोर्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इसी तरीके से यहाँ पर भी ACCA को स्प्लिट किया गया है। तो फर्स्ट लेवल की हम बात करते हैं नॉलेज लेवल की। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लेवल है यानी कि जो नॉलेज लेवल है आपका, इसके अंदर आपके तीन एग्जाम्स होंगे यानी कि तीन पेपर्स में आपको अपीयर होना होगा। ये तीन पेपर्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पे अवेलेबल है और ये तीनों ही एग्जाम्स आपके ऑन डिमांड एग्जाम्स हैं। ऑन डिमांड एग्जाम्स का मीनिंग ये है कि जैसे ही आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे स्लॉट्स आपके लिए अवेलेबल हैं उस स्लॉट्स में आप अपना एग्जाम को बुक कर सकते हो एंड पेपर में अपीयर हो सकते हो अकॉर्डिंगली। और ये सारे ही पेपर, ये तीनों ही पेपर आपके MCQ बेस्ड होंगे और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। और अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपके लिए ये वाला लेवल एग्जाम हो सकता है, यानी कि आपको नॉलेज लेवल में अपीयर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप स्किल्स लेवल पे जंप कर सकते हो। अगर आप लोगों ने सीए कंप्लीट कर रखा है या सीए से रिलेटेड आपने पेपर कंप्लीट किए तो उसमें भी आपको एग्जम्पशन मिल सकती हैं और डेफिनेटली आपका ये लेवल भी एग्जाम हो सकता है। इन एग्जम्पशन से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा आपसे, अभी के लिए मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि आपको एग्जम्पशन डेफिनेटली अवेलेबल होगी। जितनी भी आपको एग्जाम्स 13 के 13 टोटल एग्जाम्स होंगे, ये जितने भी अभी मैं एग्जाम से तीनों लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो डायरेक्टली 12th के बेसिस पर अप्लाई करेंगे, 12th के बेसिस पे अपीयर होंगे। अगर आपने कोई फर्दर एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है, फर्दर कोई क्वालिफिकेशन ऑब्टेन कर रखी है तो आपको एग्जम्पशन मिल सकती है, जिसके बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, स्किल्स लेवल की हम बात करते हैं। तो ACCA कोर्स के अंदर आपको टोटल 13 एग्जाम्स में अपीयर होना होता है, जिसमें से आपने 3 एग्जाम्स नॉलेज लेवल पे कवर किए। आपको यहाँ पर यानी कि स्किल्स लेवल पर 6 एग्जाम्स में अपीयर होना होगा। और अगर आपने सीए कंप्लीट कर रखे हैं तो ये भी एग्जाम्स आपके एग्जाम्ड हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, दैट इज प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल फ्रेंड्स, इसमें आपके 13 में से आपके रिमेनिंग जो 4 एग्जाम्स है वो यहाँ पर आपके बैलेंस रह जाएंगे और इसमें भी आपके 2 एसेंशियल्स हैं और बाकी आपके ऑप्शनल हैं, जिसमें से आपको एनी टू पिक करने होंगे। अब यहाँ पर आपको जैसे ही आपके ये 13 के 13 एग्जाम्स क्लियर होंगे, उन एग्जाम्स के बेसिस पर आपको जो क्वालिफिकेशन का स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं एफिलिएट स्टेटस, यानी कि आपको ACCA का एफिलिएट स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आपने अभी सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करे हैं, जैसे ही आपके 13 एग्जाम्स क्लियर होंगे आपको एफिलिएट स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलर टू दी सीए कोर्स, जैसे आपको सीए या बाकी कोर्सेज में कोई ना कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, यहाँ पर भी आपके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक प्रोविजन है और उस 3 ईयर्स की ट्रेनिंग को कम्प्लीट करने पर आपको ACCA मेंबर डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक एडवांटेज ये मिल सकता है कि आप पहले एग्जाम्स ले लो, उसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपने गैदर कर रखा है उसके बेसिस पर आप अपनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हो। ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो में आपसे बात करूंगा, जो 3 ईयर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनका। यानी कि आपको 13 पेपर्स में अपीयर होना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर सीए या सिमिलर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो आपको एग्जम्पशंस मिल सकती हैं, और अगर आपने सीए पूरी कंप्लीट कर रखी तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 प्रोफेशनल लेवल के 4 एग्जाम्स में अपीयर होना होगा। बाकी जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं एग्जाम्स को छोड़ के उनको आपको मीट करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में, यानी कि कितने टाइम पीरियड में आप इस ACCA कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ACCA के जो एग्जाम्स होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी होती है क्वार्टरली, यानी कि हर एक क्वार्टर एंड पे ऑलमोस्ट इनके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन आपको जरूर देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके मार्च एंड और आपका सितंबर एंड वाले क्वार्टर में सभी एग्जाम्स के ऑप्शन नहीं अवेलेबल होते, कुछ लिमिटेड एग्जाम्स ही कंडक्ट होते हैं। तो ACCA इंस्टीट्यूट की पॉलिसी इनको लेकर टाइम टू टाइम रिवाइज भी हो सकती है, आपको नोटिफिकेशन को एक बार रिविजिट करना पड़ेगा इन सब चीजों के रिगार्डिंग। तो यानी कि अगर मैं क्वार्टरली के हिसाब से बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल स्टूडेंट्स को लगभग 3 ईयर्स लगते हैं ACCA कोर्स के सभी एग्जाम्स को क्लियर करने में। ये टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकता है, अगर मैं एक रफली बात करूं तो 3 ईयर्स का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट लगता है ACCA कोर्स को कंप्लीट करने में, और साथ में एडिशनली प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए 3 ईयर्स की वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट अलग से है।
अगर आप टोटली देखो तो आपको ये 6 ईयर्स नजर आएंगे, बट अगर आप एक 12th के बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हो या ग्रेजुएशन के बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर आपने एग्जाम्स क्लियर कर दिए तो ACC इंस्टीट्यूट आपको ये वर्क एक्सपीरियंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स आप एग्जाम्स क्लियर करके ही आप एक तरीके से अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ऑब्टेन कर सकते हो। तो अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेशन से बात करूँ तो 3 ईयर्स, और अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली टोटल 6 ईयर्स लग सकते हैं। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड। मैं आपके साथ एग्जामिशंस के रिगार्डिंग अलग से बात करूंगा, तो उस वीडियो को मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।